कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर है, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें रिग्रेशन लाइन का चैप्टर क्वेश्चन है। कि ये इसमें हमें दो रिग्रेशन लाइंस दी हैं, एक ये है एक ये है, और क्वेश्चन में दिया है वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, इतना तो पता है आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है तो एस डी ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं। एस डी होता है रूट वेरियंस, नो तीन होता है, इतना तो पता है। एस डी तीन आ गया हमारा, किसका, एक्स का। तो बोला है फाइंड मीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का मीन निकालना है पहली बात। दूसरा ने बोला है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और तुम्हें पता होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट को एक को बी एक्स वाई बोलते हैं और एक को बी वाई एक्स बोलते हैं। इसका मतलब हमें दोनों वैल्यू निकालनी, और हमें निकालना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और तुम्हें यह भी याद होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर बोलते हैं, आर का फॉर्मूला भी तुम्हें याद होगा, रूट बी एक्स वाई इंटू रूट बी वाई एक्स, याद होगा ये फॉर्मूला भी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, और एक निकालना है एस डी ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ तक सही है। पहला क्वेश्चन निकालना बड़ा आसान है, ठीक है, ज़रा समझते हैं कैसे। पहला कैसे मीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकलेगी, ज़रा इक्वेशन देखो, 8x माइनस 10y, चाहो तो मैं इसको भी इधर ले लेता हूँ, 66 उधर ले गए। दूसरी इक्वेशन क्या है, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। इनमें से x या y में से दोनों को a में से एक को बराबर करना पड़ेगा, आपको एक को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 5 से इंटू करूँ, ज़रा देखना बराबर हो जाएगा 40-40, ठीक है, करो ज़रा इंटू, 40x माइनस 50y इक्वल टू, मैं इसका 5 से इंटू करो, 30-33, सही है क्या, ये ऐसे ही रहेगा, 40x माइनस 18y इक्वल टू मैं 214। इससे एलिमिनेट करते हैं, दोनों प्लस के साइन हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर कर दो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये निशान चेंज, ये माइनस है प्लस, ये माइनस, सब निशान चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, माइनस 50 प्लस 18 माइनस के 32y बचे, ये दोनों माइनस हैं, दोनों को जोड़ लो, 4 4 5, सही है क्या, चेक करो, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 544/32, मीन्स y की वैल्यू डिवाइड करो ज़रा, 17, y की वैल्यू 17 आ गई। ये y की वैल्यू 17 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, 8x माइनस 10y की जगह 17 इक्वल टू माइनस 66, 8x माइनस के कितना हो गया 170, उधर ले जाएंगे माइनस 66 प्लस के 170, बताओ कितना होगा, 8x इसमें से माइनस करो, 104 प्लस का, और x की वैल्यू आ गई 104 डिवाइड बाय 8, x की वैल्यू आ रही है 13 और y की वैल्यू आ रही है 17। ये मीन वैल्यूज ही हैं, क्या हो गया, मीन वैल्यूज हमारी निकल के आ गई, पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब जब कभी भी आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दी हैं और बोले मीन वैल्यूज़ निकालो, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, और जो सोल्व करके वैल्यूज आएंगी वो मीन वैल्यू हो गई, पहला क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया मीन, इसका मतलब एक्स का मीन आ रहा है 13 और वाई का मीन आ रहा है 17, पहला आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन कोफिशियंट्स निकालने हैं। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें ना ये नहीं पता है इसके अंदर कौन सी लाइन x on y और कौन सी लाइन y on x है, सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये है। मतलब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन x on y और कौन सी लाइन y on x है। देखो कैसे करेंगे इसका प्रोसेस, ज़रा गौर से सुनो, लेट करते हैं इधर से, लेट करते हैं कि जो एट एक्स माइनस 10y है प्लस 66 इज, इस वाई लाइन को मैं मान लेता हूँ इज क्या, एक्स ऑन वाई माना है मैंने, मतलब से एज्यूम करा है तो एंड, और जो दूसरी वाई लाइन है 40x माइनस 18y 214 इज वाई ऑन एक्स, इस वाई लाइन को मैंने एक्स ऑन वाई माना, इसको वाई ऑन, सोचता ये गलत हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। तुम्हें ये तो याद होगा एक्स ऑन वाई का जो एक्स ऑन वाई जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में होती है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस एक्स ऑन वाई को इस फॉर्म में लाना है मुझे, ज़रा देखना, एट एक्स माइनस 10 वाई
इक्वल टू 66, वाई को उधर ले जाओ, देखो इसका अकॉर्डिंग एट एक्स इक्वल टू 66 प्लस 10 वाई, एट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एट एक्स इक्वल टू 66 बाय 8 प्लस 10 वाई बाय 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8.25 प्लस 1.25 वाई, ये आ गया। देखो उस फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, ए प्लस बी वाई के फॉर्म में, तो ये आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई 1.25। और हमने इक्वेशन क्या माना था, एक्स ऑन वाई ना, तो इसलिए एक्स ऑन वाई आया है, बी एक्स ऑन वाई मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई आ गया 1.25। ज़रा आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई ऑन एक्स को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, इसको तुम्हें लेकर आना है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में। ज़रा देखो इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल टू में 214, इसको उधर ले जाते हैं एक्स को, माइनस 18y इक्वल टू में 214 माइनस 40x, डिवाइड करो ज़रा, 214 अपॉन 8 माइनस 40x अपॉन 18, माइनस का 18 माइनस है दोनों तरफ, माइनस का 18 लिया है हम, वाई की वैल्यू आगे डिवाइड करो ज़रा 11.89, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2.22x। देखो ये भी उस फॉर्म में आ गई, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, तो बी वाई एक्स आ गया यहाँ से 2.22। अब हमने ये एज्यूम करा था कि ये वाली x ऑन y है, ये वाली y ऑन x, अब ये चेक करते हैं गलत है या सही है, ठीक है, ज़रा ध्यान सुनना। b तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कभी भी x से बड़ा नहीं होता, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होता है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ज़रा देखना इसका मल्टीप्लाई 1.25 इंटू 2.22 का इंटू करूँ तो 1 से बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, कितना इंटू हो गया 2.775 जो कि एक से बड़ा आ गया, ये क्या है, ये एक से बड़ा, इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, हो गया समझ आ गया। अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये y on x, x on y नहीं है ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन x on y नहीं है, ये वाली इक्वेशन y on x है, और ये वाली इक्वेशन x on y है, समझ आया, कैसे पहचानेंगे, क्या करा मैंने दोबारा, देखो रिग्रेशन कोफिशियंट निकालने के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा कौन सी लाइन x on y है, कौन सी लाइन y on x है, तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करा, इसे x on y माना, इसे y on x माना, अब इसे x on y माना है तो मैंने इसे सोल्व करा, इस फॉर्म में लेकर आया मैं इस इक्वेशन को, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में, यहाँ से b की वैल्यू निकाली, दूसरी y on x माना था उसको इस फॉर्म में लेकर आया मैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाली है 2.22, दोनों को मल्टीप्लाई 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत था, अब इसको उल्टा कर दो, इसका मतलब ये हो गया कि लिख देते हैं यहाँ पे विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये हो गया ये लाइन जो है ना ये y on x on y नहीं है, y on x है, समझ आया, एंड ये y लाइन जो है ना वो x on y है, पहचान समझ आई, पहचान ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा से इसे एक बार और सोल्व करना पड़ेगा और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब हम दोबारा से हम बताओ x on y कौन सी है, ये वाली है ना 40x माइनस 18y इक्वल टू में 214, निकालो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, किस फॉर्म में लानी है इस इक्वेशन को, अभी मैंने क्या बोला था x on y इक्वल टू होती है x a प्लस बी वाई के फॉर्म में, तो किसकी वैल्यू निकालनी है x की, इस उधर ले जाओ 40x इक्वल टू 214 प्लस 18y, डिवाइड करो 40 से, 214 को 40 से डिवाइड, 18y को भी 40 से डिवाइड, x इक्वल टू 1.2, ये कितना आ रहा है 5.35 प्लस, इसको डिवाइड करो 0.45y आ गया इस फॉर्म में, तो b की वैल्यू b x y की वैल्यू आ गई 0.45, एक रिग्रेशन कोफिशियंट आ गया, दूसरा भी ऐसे चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं,
एक्स ऑन वाई थी, वाई ऑन एक्स। देखो इक्वेशन क्या है, एट एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस 66, इधर ले गए, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एट एक्स को ले लिया, टेन वाई इक्वल टू माइनस 66 माइनस एट वाई, एट 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 एक्स, सही है, एट एक्स। बताओ y की वैल्यू निकालो, माइनस 66 डिवाइड बाई माइनस टेन माइनस एट एक्स डिवाइड बाई माइनस टेन, माइनस कैट कट जाएगा इसका, बताओ 6.6, इसको डिवाइड करो प्लस का 0.8x, तो आ गई फॉर्म में a प्लस बी एक्स के फॉर्म में, तो b की वैल्यू बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8 प्रूफ हो गया। हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, मीन निकाल दिया हमने, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल दिए, b x y आया है हमारा 0.45 एंड बी वाई एक्स आया है हमारा 0.8। दो क्वेश्चन सोल्व हो गए, समझ गया अभी ये कैसे सोल्व करा हमने। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरे में क्या बोलना है, आर आर का फॉर्मूला तो याद है, लिख रखा है मैंने वहाँ, बी एक्स वाई को इंटू कर दो बी वाई एक्स के साथ, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई 0.45 इंटू बी वाई एक्स 0.8, करो इंटू दोनों का और रूट निकाल दो, रूट जीरो पॉइंट सिक्स, आर भी आ गया हमारा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन कैसे निकलेगा, एस डी ओ बाई, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तीन कंप्लीट हो गया, चौथा देखो कोफिश एस डी ओ वाई, इतना बताया हमें कि वेरिएंस ऑफ एक्स या एस डी ऑफ एक्स तीन है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, एस डी ऑफ एक्स 3 है, हमें एस डी ओ वाई पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो दो निकल के आए थे उनमें से एक को उठा लेते हैं, जैसे बी वाई एक्स है, इसकी वैल्यू 0.8 है, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, आर एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, रिवर्स गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया मैंने, यहाँ वाई आता है यहाँ एक्स आता है, मतलब गिवन पीछे वाला वेरिएबल नीचे होता है, है याद, ये होता है फॉर्मूला, ज़रा सारी वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 0.8, आर की वैल्यू कितनी आई 0.6, एच डी ऑफ वाई नहीं पता, एच डी ऑफ एक्स पता है ऊपर 3, ठीक है सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, इसे डिवाइड में लाते हैं, 0.8 को इंटू करो 3 के साथ और डिवाइड करो 0.6 के साथ, हमारा एच डी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो एच डी ऑफ एक्स आ रहा है 8 24, 2.4 को डिवाइड करो 0.6 से, कितना 4 आ रहा है, शायद 4 आ रहा है, ठीक है मिनट नंबर 9 है ना, 13 7 0.6, ठीक है आंसर हमारे सही है। दोबारा समझो, मीन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है एलिमिनेशन सबसे आसान होता है, सॉल्व करा मेन वैल्यूज आ गई हमारी, आई थी 13 और 17। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे पता करेंगे, नहीं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैसे पता करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट पता करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है और कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है। इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि अभी तब से एज्यूम कर लो, किसी भी लाइन को एज्यूम कर लो, एक को एक्स ऑन वाई एक को वाई ऑन एक्स, सॉल्व करो बी बीटा निकालो, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके चेक करो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कभी भी 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ये सही आ रहा है तो उसका मतलब तुमने सही एज्यूम करी है, नहीं तो उसे रिवर्स कर दो बस खत्म बात, तो फिर तुम्हारे रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट आने के बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस फॉर्मूले से निकाल लो
और उसके बाद एस डी ओ वाई के लिए एक फॉर्मूला, ये मैंने बताया, इसे सॉल्व कर लेना। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।